देखिए किसानों का दिल्ली कूच आंदोलन है। आज पंजाब और हरियाणा बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे किसान। आज सुबह 11 बजे से दिल्ली कूच करेंगे किसान। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा दिल्ली में बड़ी तैयारी की गई है। शंभू बॉर्डर छावनी में बना और सिंघू बॉर्डर पर भी कटीले तार लगाए गए हैं, यानी कि तमाम तैयारियां हो चुकी है। और साथ ही में सरकार के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं कि वार्ता हो और बात बन जाए, पर किसान जो कि मानने को तैयार नहीं है। पर सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम पूरे किए जा चुके हैं। आज सुबह 11 बजे से दिल्ली कूच करेंगे किसान, क्योंकि मांगे किसान अपनी मांगों को लेकर के लगातार उग्र नजर आ रहे हैं, आक्रोशित नजर आ रहे हैं। हालांकि किसानों को रोकने के लिए हरियाणा दिल्ली में बड़ी तैयारी भी की गई है। शंभू बॉर्डर की बात की जाए तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है, वहीं सिंघू बॉर्डर पर भी कटीले तार लगाए गए हैं। इससे पहले आपने तस्वीरें देखी होगी कि किस तरह से किसानों को रोकने के लिए बड़ी तैयारी इससे पहले भी की गई थी। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे उस वक्त। हरियाणा के डीजीपी की पंजाब के डीजीपी से अपील है कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को 1 किलोमीटर दूर रखें। कहा गया है कि मशीनों के इस्तेमाल से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, पुलिसकर्मियों की जान को भी खतरा हो सकता है। हरियाणा जा रही मशीनों की आवाजाही रोकेगी पंजाब पुलिस। जेसीबी पोकलेन मशीनों को तुरंत रोका जाए, डीजीपी के द्वारा कहा गया है। और साथ ही देखिए, गृह मंत्रालय ने पंजाब में कानून व्यवस्था पर चिंता भी जाहिर की है। उपद्रवियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी है और साथ ही साथ धारा 144 लागू कर दी गई है। अब आप स्थिति समझ सकते हैं। हालांकि सरकार के द्वारा पूरे पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि स्थिति अंडर कंट्रोल रहे। का समय है, अगर केंद्र सरकार का हेड ऑफ स्टेट आगे आए और वो कहे कि हम एमएसपी ग्रंटी कानून बनाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, आगे इससे आगे बढ़ा जा सकता है और स्थिति को शांत किया जा सकता है। जो हमें नजर आ रहा है, यहाँ एक एक माँ का एक एक बेटा है। हम अपनी ओर से बिल्कुल पीसफुली रहेंगे, पर जो हमने देखा कि केंद्र अर्ध सैनिक फोर्सों के द्वारा किसान और मजदूर की आज खून की होली खेलेगा। हम कहते हैं आपका दायित्व बनता है, हमने भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डाली होगी, दी होगी। ये देश सभी का है, प्रधानमंत्री सभी के हैं, उनको आगे आके परिस्थितियों को संभालना चाहिए और हमारी मांगे मान लेनी चाहिए। 1.5-2 लाख करोड़ रुपया ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, इसके ऊपर 60% किसान निर्भर कर रहे हैं। खेत मजदूर जोड़ लें तो देश की 80% आबादी बनती है। तो हमारी पूरा प्रयास है कि पीसफुली रहेंगे, अथवा अगर केंद्र को ऐसा लगता है अभी मांग मानने में कोई उसे दुचित्ती आ रही है, तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी, संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व है, आप संविधान की रक्षा कीजिए। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए ये नाका खोल के दिल्ली जाने का इजाजत दे दीजिए। ये संविधान है क्या देश के किसान मजदूर का? इससे गतिरोध खत्म हो जाएगा और आगे भी हमारे जवान है, इधर किसान है, वो भी हमारे परिवारों से है, हम भी अपने हैं। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा कुछ हो जो देश को आज दुख तस्वीरें देखने में सामने आए। और हम अपनी ओर से कोई प्रहार नहीं करेंगे, पीसफुली रहेंगे। अब गेंद केंद्र के पाले में, वो आने वाले समय में क्या फैसला करते हैं। देखिए, जैसे मेहर साहब ने बताया कि हमारी मंशा किसी तरह का भी अशांति पैदा करना हमारा निशाना नहीं है, ना कोई हमारी इसके ऊपर कोई प्रेस्टी इशू है कि हम तो ऐसा किए बगैर रह नहीं सकते। लेकिन बात यह है कि हमने दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया, ये आज से नहीं बना, ये 7 नवंबर की हमने कॉल दे रखी है। 7 नवंबर से लेकर अगर आज सरकार ये कहे कि समय कम है हमारे पास,
तो मुझे लग रहा है सरकार की ये टालमटोल की नीति है। सरकार को ऐसा ना करते हुए देश के किसान मजदूर के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। किसान देश का किसान है, देश के किसान ने देश को सेल्फ डिपेंड किया है, दिन रात मेहनतें की हैं। 7 लाख के करीब आज तक किसान सुसाइड कर चुका है, लेकिन ऐसे हालात में भी अगर सरकार किसान से बात करने की बजाय ऐसा प्रबंध करे कि किसानों को रोकने के लिए इतने इतने बड़े बैरिकेड्स लगाएं, तो ये उचित बात नहीं होती। हमारा निवेदन है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली जाना चाह रहे हैं। सरकार कृपया हमें खुद ब खुद अपने वो बैरिकेड्स हटाते हुए दिल्ली जाने की अनुमति दे, वहाँ दिल्ली बैठने की व्यवस्था बना दे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर